नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है इनसाइड बिग बॉस। तो दोस्तों, लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड्स मेरे पास आ चुके हैं और यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, वहां पे एक्चुअली 5 लोग नॉमिनेट थे, पर बिग बॉस ने अपनी निंजा टेक्निक यूज करके पारस को वहां पे सेव कर दिया, क्योंकि दोस्तों बिग बॉस को मालूम था अगर पारस छाबरा नॉमिनेशंस में आते हैं तो उनको सबसे कम वोट्स मिलेंगे और वो शायद घर से बेघर हो सकते हैं, और इसीलिए उनको नॉमिनेशन से ही सेव कर दिया। उसके बाद दोस्तों बच्चे 4 लोग। तो दोस्तों, इन 4 कंटेस्टेंट में से कौन है नंबर 1 पे और कौन है लास्ट, ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों नंबर 1 पे, ये तो सबको मालूम ही होगा, दोस्तों नंबर 1 पे है आसिम रियाज। दोस्तों आसिम को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट और बहुत सारे वोट्स होने के कारण आसिम रियाज है नंबर 1 पे। उसके बाद दोस्तों नंबर 2 पे कौन होगा, नंबर 2 पे ये भी क्वाइट ऑब्वियस है, नंबर 2 पे है रश्मि देसाई। जी हाँ दोस्तों, रश्मि देसाई, इनकी भी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है और इसी वजह से रश्मि देसाई है नंबर 2 पे। उसके बाद दोस्तों नंबर 3 पे कौन होगा, दोस्तों ये थोड़ा सा शॉकिंग है, नंबर 3 पे है हिमांशी खुराना। जी हाँ दोस्तों, हिमांशी खुराना है नंबर 3 पे और इसी वजह से नंबर 4 पे है शेफाली जरीवाला। दोस्तों शेफाली जरीवाला फिलहाल है नंबर 4 पे। तो दोस्तों ये थे दोपहर तक के वोटिंग ट्रेंड्स। दोस्तों इन वोटिंग ट्रेंड्स में फिर से एक बार पोजीशन चेंज भी हो सकती है, शेफाली जरीवाला ऊपर भी जा सकती है, नहीं तो शेफाली जरीवाला अपने ही पोजीशन पे भी रह सकती है। अब दोस्तों जब मेरे पास फाइनल वोटिंग ट्रेंड्स आएंगे मैं आपको वीडियो बना के जरूर बताऊंगा, पर दोस्तों इस टाइम मुझे ऐसा लगता है कि इविक्शन नहीं होगा क्योंकि जो वोटिंग लाइन है वो 24 से ओपन थी और इसी वजह से शायद बिग बॉस इविक्शन कैंसिल कर दे, और अगर उन्होंने इविक्शन कैंसिल नहीं किया और किसी एक को जाना पड़ा तो वो शायद हिमांशी खुराना हो सकती है। तो दोस्तों आज है वीकेंड का वार का शूट, आज शाम को वीकेंड का वार का शूटिंग शुरू होगा और उसके सारे अपडेट्स मैं आपको दूंगा, फाइनल वोटिंग ट्रेंड्स भी मैं आपको बताऊंगा, और अगर कोई इविक्शन की न्यूज मेरे पास आती है वो भी मैं आपको वीडियो बना के जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों ऐसे ही अपडेट्स और न्यूज के लिए आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करना है, क्योंकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगा तब आपको आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और आपको क्या लगता है कौन होगा इस बार घर से बेघर, क्या इविक्शन होगा और आपने किसको किया है वोट, ये सब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और मैं आपसे मिलता हूँ हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे कूल, बाय।